देश के हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है, उस ख्वाब के साथ उसके मन में कुछ विचार भी होता है, आइडियाज भी होते हैं। कुछ लोगों के आइडियाज हर दिन पैदा होते हैं और शाम होते होते बाल मृत्यु हो जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आइडिया के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलते हैं और पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं कि कुछ करता नहीं, बस इसी में लगा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, यार दोस्तों से नहीं मिल रहा है, क्या हो गया है इसको, कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन वही एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है, तब पूरे परिवार को लगता है नहीं नहीं साहब इसमें तो पहले से ही ऐसा था, क्योंकि ज्यादातर ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। और जब कुछ सोचा होगा नहीं बेटे अपना काम नहीं तो कहीं नौकरी कर ले, शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा बहुत मजाक उड़ाया होगा, उपहास किया होगा, जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होंगे ये कुछ करने वाला है, ये करने वाला है। फिर एक पल आया होगा सारी दौर विरोध हुआ होगा, सब दौर परिवार के लोगों ने विरोध किया होगा, नहीं ये नहीं करना है, जाओ कमाओ नौकरी कर लो। उस विरोध के बावजूद भी जो टिके होंगे आज सब लोग कहते होंगे कि यार इसने तो कमाल कर दी, कुछ ऐसा मुझे भी करना है। हर किसी के स्टार्टअप की जिंदगी की यही कहानी है। विशाल और सफल कारोबार का निर्माण करने के लिए असफलताओं से बचा नहीं जा सकता, जो पानी से भागता है वो कभी तैरना नहीं सीख सकता, एक बार तो डूबना ही पड़ता है तब जाकर के तैरना शुरू होता है। हर चीज की कहीं शुरुआत होती है, तो जो करता है उसी को दिखता है क्या होने वाला है, औरों को वही दिखता है कि ये पागल है। पैसे कमाने के इरादे से आता है वो कभी स्टार्टअप कर ही नहीं सकता, जो कुछ करने के इरादे से आता है पैसे उसके लिए बाय प्रोडक्ट होते हैं। एक भीतर से एक ऊर्जा होती है, भीतर में सपने होते हैं, उसके साथ खप जाने का इरादा होता है, तब जाकर के परिस्थितियां पलटती है। जो ऐप बनाता है या जो स्टार्टअप की दुनिया में एंटर होता है या कोई नई चीजों को इनोवेट करता है, उसके मूल में उसके अंदर एक संवेदना होती है। बहुत कम लोग इस बात को अनुभव कर पाएंगे, और जब वो कोई बुरे हाल देखता है, कोई समस्या देखता है, वो उसे सोने नहीं देती। समस्या उसकी नहीं है, किसी और की है, लेकिन उसे सोने नहीं देती। उसका मन करता है मैं कोई रास्ता खोजूं, मैं कुछ करूं इसके लिए। किसी के लिए जो दर्द होता है, जो हमें हमारे भीतर एक ऐसी अवस्था पैदा करती है जो इन लाखों करोड़ों के दर्द को दूर करने का कारण बन जाती है, और तब स्टार्टअप हो। हर स्टार्टअप के पीछे कोई न कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए, और जब किसी स्टार्टअप के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोष का लेवल भी कहीं कुछ और होगा। स्टार्टअप कहने के बाद कुछ लोगों की सोच होती है तो बड़ा हाईफाई होगा, लैपटॉप के बाहर दुनिया कुछ नहीं होगी, मोबाइल से जुड़े होंगे, कि हर किसी के पास $1 बिलियन का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करें, जरूर नहीं है। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया अगर मुझे 2 लोगों की जिंदगी को बस संभालना है, वो कर ले। मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि जिसके कारण किसी की जिंदगी में मैं काम आऊं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदान हो। इतना भी अगर सपना लेकर के हम चलते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं।